राधे राधे दोस्तों, आप सब पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। दोस्तों, पवित्र कार्तिक मास शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में कार्तिक मास को वर्ष के 12 मासों में सबसे अधिक पवित्र और सबसे अधिक उत्तम मास माना गया है। इस पवित्र कार्तिक मास में स्नान करने की महिमा देवताओं ने भी गाई है, क्योंकि इसी पवित्र कार्तिक मास में श्री नारायण इस पृथ्वी पर जल में निवास करते हैं और इसी कारण कार्तिक मास में नदी, कुंज, सरोवर या किसी तालाब में स्नान करना बहुत अधिक पुण्यदायी माना गया है। कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातःकाल शीघ्र उठकर किसी तीर्थ स्थान अथवा किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और स्नान के पश्चात कार्तिक स्नान कथा को सुनना चाहिए। इस कार्तिक स्नान कथा के श्रवण मात्र से महापुण्य की प्राप्ति हो जाती है। यह कार्तिक स्नान कथा कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। कार्तिक मास में वह बुढ़िया प्रतिदिन व्रत किया करती थी और उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण वहां आ जाते और खिचड़ी से भरा हुआ एक प्याला वहां रख कर चले जाते थे। उसी बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। उसे उस बुढ़िया से बहुत जलन महसूस होती थी। वह यह सोचती कि इस बुढ़िया का तो कोई भी नाती रिश्तेदार नहीं है, परंतु फिर भी इसे खाने के लिए हर रोज स्वादिष्ट खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन सुबह वह बुढ़िया कार्तिक मास का स्नान करने के लिए गंगा नदी पर गई। उसके जाने के पश्चात भगवान कृष्ण उस बुढ़िया की झोपड़ी में आए और खिचड़ी का कटोरा रख कर वहां से चले गए। परंतु बुढ़िया की पड़ोसन ने जब वह खिचड़ी का कटोरा देखा तो उसने वह कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक दिया। उधर कार्तिक स्नान के पश्चात जब वह बुढ़िया अपनी झोपड़ी में आई तो उसने देखा कि आज खिचड़ी का कटोरा वहां नहीं है। फिर तो उस दिन वह बुढ़िया भूखी ही रह गई। उधर उस पड़ोसन ने जहां वह खिचड़ी गिराई थी उस जगह पर एक पौधा उग आया और कुछ समय के पश्चात उस पौधे में से दो सुंदर फूल खिले। एक समय की बात है, उस नगर का राजा अपने नगर में घूमने के लिए निकला तो उसकी नजर उन दोनों सुंदर फूलों पर पड़ी। राजा को वे फूल इतने सुंदर लगे कि वह उन फूलों को तोड़कर अपने घर लेकर आ गया। घर आकर उसने वे दोनों फूल अपनी रानी को दे दिए। रानी ने उन सुंदर फूलों को सूंघा और सूंघने पर वह गर्भवती हो गई। समय आने पर रानी ने दो सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। धीरे धीरे दोनों राजकुमार बड़े होने लगे, परंतु वे दोनों राजकुमार हमेशा चुप रहते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन वे दोनों राजकुमार शिकार खेलने के लिए गए तो संयोग से उन्हें रास्ते में वही बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सबको यह बोलती जा रही थी, कहां गई मेरी खिचड़ी, कहां गया मेरा कटोरा। लेकिन यह क्या, उस बुढ़िया की यह बात सुनकर वे दोनों राजकुमार बोल पड़े, हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरा कटोरा। अब तो जब भी वे दोनों राजकुमार शिकार पर जाते तो रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती और वह यही बात दोहराती थी और वे दोनों राजकुमार भी उस बुढ़िया को यही उत्तर देते थे, हम है तेरी खिचड़ी, हम है तेरा कटोरा। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वे दोनों राजकुमार किसी से बात नहीं करते तो उस बुढ़िया से कैसे बात कर सकते हैं। अब तो राजा ने उस बुढ़िया को अपने राजमहल में बुलवाया और उससे पूछा, माँ जी, मेरे दोनों पुत्र किसी से बात नहीं करते, फिर ये दोनों तुमसे कैसे बात करते हैं। यह सुनकर उस बुढ़िया ने उत्तर दिया, हे महाराज, इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। मुझे तो बस इतना मालूम है कि मैं कार्तिक मास में व्रत करती थी और स्नान करती थी तथा भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा देकर जाते थे। एक दिन मैं कार्तिक स्नान कर वापिस आई तो मुझे वह खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और जब मैं यह कहने लगी, कहां गई मेरी खिचड़ी, कहां गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों राजकुमारों ने मुझसे कहा, तुम्हारी खिचड़ी तुम्हारी पड़ोसन ने घर के पीछे फेंक दी थी जहां से दो फूल खिले,
वे दोनों फूल राजा तोड़ कर ले गया, जिन्हें रानी ने सूंघा तो हम दोनों पुत्रों का जन्म हुआ। इसलिए हम ही है तेरी खिचड़ी और हम ही है तेरा कटोरा, हमें तो भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। उस बुढ़िया की यह सारी कहानी सुनकर वह राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने उस बुढ़िया को बहुत सारा धन दिया और बुढ़िया को अपने राजमहल में रहने का अनुरोध किया। अब तो भगवान विष्णु की कृपा से वह बुढ़िया राजा के महल में खुशी से रहने लगी। कार्तिक मास में स्नान करने के पुण्य के कारण उस बुढ़िया की किस्मत ही पलट गई। हे कार्तिक महाराज, आपकी सदा ही जय हो, आपको हमारा सादर नमस्कार। जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया पर अपनी कृपा की, उसी प्रकार हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जय कार्तिक महाराज। बोलो जय श्री हरि, जय श्री नारायण। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में स्नान करने के पश्चात इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा के सुनने मात्र से जीवन में आने वाले सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, कलह कलेश समाप्त होते हैं, आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति तथा समृद्धि आती है। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। जय श्री नारायण।